ये लेक्चर कौन सा 5 है? विधि तुम बोलोगे? यस सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। इसको ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा विधि? पहले वाले में एफ एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये प्लस क्या आया एफ डैश एक्स ई की पावर, ये दोनों कट गए कि नहीं कट गए? यस सर। तो इसका आंसर क्या हुआ? ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। फॉर्मूला समझ आ गया? यस सर। चलो, इसका मतलब एक एफ एक्स होता है, एक एफ डैश एक्स होता है। मल्लिका बच्चे, यस सर। ई की पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर एग्जांपल ले रहे हैं, आप बताओगे? ठीक है, 1/x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x+1 का होल क्यूब। जैसे ये है थर्ड, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। फोर्थ क्वेश्चन है ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। जैसे ये क्वेश्चन। मल्लिका बच्चे, इसमें एफ एक्स क्या है एफ डैश एक्स क्या है? पहले क्वेश्चन में तो इसका आंसर क्या आएगा? ई की पावर एक्स बाय बाय एक्स। कोई डाउट? ठीक है, नो सर। अच्छा, आप दूसरे वाले का बोलेगा सम्यक। यस सर। सम्यक इसका आंसर क्या होगा बच्चे? सर ई रेस्ट टू पावर एक्स इनटू हाँ 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये बात समझ आएगी। 1/x+1 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आएगा, सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, आप बोलेगा मोहित। यस सर। ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका क्या होगा? ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। चलो, क्यों आएगा? बात समझ आ रही है? यस सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। हर्षित, चलो आवाज नहीं आ रही। वंशिका, यस सर। बच्चे, इसमें फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा? सर ई एक्स लॉग साइन एक्स प्लस प्लस सी। कुणाल, हाँ कुणाल तनवर, कुणाल, चलो क्या होता है विधि? यस सर। ई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस उनका होल स्क्वायर, कैसे करें? ठीक है, yes. ये बात समझ आ गई? यस सर। क्या आंसर आया सर? ex 1/x+1+c। e की पावर x बाय x प्लस 1 प्लस c। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं एक बारी। जैसे अगर क्वेश्चन आता है क्या होता है e की पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, कौन बोलेगा? कशिश, e की पावर x 1 प्लस साइन x और 1 प्लस कॉस x। कशिश, आवाज नहीं आ रही शायद कशिश को। हार्दिक,
चलो हर्षित, ऋषिराज। यस सर। ऋषिराज बताओ। सर 1 प्लस cos x का फॉर्मूला लगा देंगे सर, 2 cos स्क्वायर x by 2, फिर 1 by 2 cos स्क्वायर x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 by 2 cos स्क्वायर x by 2। ठीक है, अलग अलग लिखो क्या आया। e की पावर x sec स्क्वायर x by 2 divide by 2 plus tan x by 2। ये बात समझ आ गई ऋषिराज? यस सर। अब क्या आएगा आंसर? क्या e पावर x tan x by 2 plus c। बात समझ आ गई ऋषिराज? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। चलो ऋषिराज तुम ही बोलो। ऋषिराज को, यस सर, x को सर tan थीटा मान लेंगे सर। क्यों मानेंगे सर? क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा सर tan के। dx की वैल्यू कितनी हो गई? sec स्क्वायर थीटा, सॉरी d थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा। d थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। sin इनवर्स sin 2 थीटा बन जाएगा ये। 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा d, ये हो गया थीटा 2 बार sec स्क्वायर थीटा। बताओ अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सर थीटा एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, sec स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, सर वैसे कर लेंगे। यस सर। बोलते जो, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, आईलेटी रूल लगाया था। थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का क्या होता है? माइनस log cos थीटा प्लस सी। दिस इज द आंसर। थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इनटू x ये आ गया प्लस log, या तो इसे ऐसे लिख देते हैं, नेगेटिव भी लिख देते हैं, log sec थीटा। sec थीटा किसके बराबर होता है? 2 x tan इनवर्स x माइनस लॉग रूट के अंदर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? टैन एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये बात समझ आ गई बच्चे का वो जो भी है? यस सर। ऋषिराज? यस सर। ठीक है, मेरे को नहीं लगता अब इसमें एक और क्वेश्चन देखना है जो हमारा शायद डाउट हो सकता है बच्चों का। अब उसके लिए कौन, नंदनी बोलोगे बच्चे? चलो नंदनी की आवाज नहीं आ रही। रितिका, नहीं आ रही आवाज। मेरे को वो बताएगा कौन, वंशिका, रितिका? यस सर। कौन बोल रहा बच्चे? सर वंशिका। वंशिका जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आई मान लेना, रिपीट होगा इसमें, क्या मान लेना? आई। आई। अब वंशिका ढंग से सुनना, किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है दोनों में से? सर साइन एक्स को। ट्रिग्नोमेट्रिक होता है एक्सपोनेंशियल। जब भी ये केस आ जाए ना वंशिका, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, बुक में हमेशा उल्टा कर रखा होगा, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मान रखा होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में मान रखा हो, ठीक है, खाली इन दोनों फंक्शंस में है। वैसे ले सकते हो, आपका आंसर ठीक रहेगा चाहे कुछ भी लो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल में, बट जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल आएगा बुक में e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान रखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो हम उसी के हिसाब से करेंगे ताकि बुक के हिसाब से आंसर मैच करे। कोई डाउट? नो सर। आप इसको i जरूर, हाँ बोलो सर। इसके अंदर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज अ फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में ऐसा क्यों नहीं होता सर? फिर से रिपीट कर दो। मैंने बोला ना कि e की बार 2x into sin x में ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट मान के एक्सपोनेंशियल को सेकंड मान के आंसर ठीक है तुम्हारा, मना नहीं किया, आंसर मैच नहीं करेगा, बस ये प्रॉब्लम। अच्छा
बस और कोई रीजन नहीं है, बट इसीलिए मैंने बोला हमेशा ऐसे एक्सपोनेंशियल को पहले मान लो और ट्रिग्नोमेट्री को बाद में, अगर ये खाली दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड में दे रखे तो ठीक है। yes, चलो वंशिका बोलो। yes, sir. E की पावर 2x sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर माइनस कॉस एक्स। चलो अब e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू पावर 2x इनटू 2। हाँ यहाँ तो बात समझ आ गई वंशिका। यस सर। यहाँ पे आया प्लस 2 e की पावर 2x इनटू कॉस एक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन रह गया सेकंड वाले पार्ट का। यस सर। फिर से हाईलाइट लगा दूं? यस सर। चलो अब e की पावर 2x को क्या मान लूं जल्दी बताओ? फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स। मैं साइन एक्स। माइनस 2 e की पावर 2x इनटू साइन एक्स dx। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब वंशिका एक बार इस ढंग से सुनना, e की पावर 2x नेगेटिव बाहर cos x प्लस 2 e की पावर 2x इंटू साइन x माइनस 4 i लिख सकता हूँ इसे? यस सर। 2 इंटू 2 4 i, ये आ गया 5 i इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x इंटू cos x प्लस 2 e की पावर 2x इंटू साइन डिवाइड बाय क्या कर दिया 5। कोई डाउट? नो सर। प्लस सी, समझ आ गई बात? यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा? मल्लिका तुम बोलोगे? सर एक बार फिर से लास्ट पेज दिखा दोगे प्लीज? एक मिनट बचे, ऋषिराज तुम ही बोल दो। ओके सर। ई की पावर 3x इनटू cos 4x ठीक है? यस सर। चलो आप बोलो किसको, इसको आई मान लो? यस सर। आई को क्या आएगा बोल जल्दी? e पावर 3x इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट फॉर्मूले के साथ बोलो, फॉर्मूले के साथ बोलो बच्चे, अब तो इतना तो फॉर्मूला याद हो गया होगा ना? यस सर। ये बात समझ आ गई? 4 dx। यस सर। e की पावर 3x इंटू साइन 4x बाय 4 माइनस 3 बाय 4 ठीक है? यस सर। e की पावर 3x इंटू साइन 4x का माइनस कॉस 4x बाय 4 माइनस 3 e की पावर 3x इंटू माइनस कॉस 4x बाय 4 dx। ये बात समझ आ गई? यस सर। इक्वल टू आई, आई इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू साइन 4x बाय 4 माइनस 3 प्लस 3 बाय 16 e की पावर 3x इंटू कॉस 4x। ये बात समझ आ रही है? यस सर। माइनस 1 बाय 4 ये आ जाएगा 9 बाय 16 आई, हाँ कि नहीं? यस सर। अब ये कितना हो गया, i प्लस 9 बाय 16 आई इज इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू साइन 4x बाय 4 प्लस 3 बाय 16 e की पावर 3x इंटू कॉस 4x, सही है? यस सर। ये हो गया 25 बाय 16 i, तो किससे डिवाइड करना है इसे? 25 बाय 16 से डिवाइड कर देना, दैट विल बी योर आंसर। 16 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। डाउट है? समझ आ गई? आप पीछे वाला क्वेश्चन दिखाने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे? बच्चे कशिश है, कोई बच्चा अपनी मर्जी से बोलेगा, बोलो। सर मोहित। मोहित बोलेगा। मोहित बच्चे इसका पहले तो मैं तीन फॉर्मुलेज लिख रहा हूँ, ये फॉर्मुलेज मेरे को लगता है सबको पता होने चाहिए। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ये ध्यान रखना, एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू
साइन इनवर्स एक्स बाय, बच्चे सारे नोट कर लेंगे, ढंग से नोट कर लेना जरूर, ठीक है। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, दूसरा किसका लिखा है मैंने क्वेश्चन में, फॉर्मूला किसका लिखना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका देखो थर्ड वाले का, अगर मैं ये बोलता हूँ तो रूट ऑफ एक्स बाय टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये थोड़े फॉर्मूले लंबे हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई बताए, चलो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स बाय टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कोई डाउट है बच्चे किसी को भी फॉर्मूले में, बोलो बच्चे, किसी को भी डाउट है फॉर्मूले में? मोहित? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलो मोहित, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, जैसे मोहित ये बोलो 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, कैसे करेंगे इसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करेंगे? यस सर। सर नेगेटिव माइनस कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला। ये कितना हो गया, एक्स बाय टू, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 बाय 2 इंटू रूट ए स्क्वायर 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा ए स्क्वायर बाय 2 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2 प्लस सी। कोई डाउट है? नो सर। इसमें मुकुल कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर। फिर बच्चे स्क्रीन पे लिखो मत, ठीक है सर? वो सेव करा तो गलती से पेन चल गया। कोई बात, कोई बात, कोई बात। अच्छा आप मुकुल तुम बोलो। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, क्या करूं सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सर। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx रूट में, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। बता सकते हो कैसे करेंगे सर? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, x प्लस 2 रूट x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 log x प्लस रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। बच्चे मेरे को लगता नहीं है इस एक्सरसाइज में कोई डाउट आएगा शायद, है ना? यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन और, कौन बोलेगा? निधि तुम बोल दो। यस सर। निधि क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। x इनटू ये तो ये वाली फॉर्म पढ़ी थी ना हमने, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक किया था, जिसमें था yes, जैसे 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। कैसे करते थे इसमें, क्या मानते थे? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करते थे पहले नीचे। नहीं बच्चे, 2x प्लस 3 को ये नहीं मानते थे, 2x प्लस 3 a इनटू डिफरेंशिएशन 4x प्लस 4 प्लस b। यस सर, यस सर। ठीक है, इसमें भी वही है, यहाँ पे देखो बाहर क्या है, x को क्या मानेंगे, a इंटू डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, 2x प्लस 2 प्लस b प्लस b, तो 2ax प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू x, 2a इज इक्वल टू 1, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 बाय 2, a 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 था, तो b इक्वल टू माइनस। कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर।
तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, a इंटू टू एक्स प्लस टू इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस b की वैल्यू माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, ये पहले वाले में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री को क्या करना है? बोलो, डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, a इंटू क्या आ जाएगा, रूट टी डी टी, सही है? यस सर। a इंटू टी की पावर थ्री बाय टू ओवर थ्री बाय टू, a की वैल्यू क्या थी, वन बाय टू, टू बाय थ्री इंटू वन बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री बाय टू। ये बात समझ आ गई, पहला वाला पार्ट समझ आ गया? यस सर। दूसरे वाले पार्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बनेगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वन बाय टू रूट के अंदर x प्लस वन बाय का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू रूट टू का होल स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल। बात समझ आ रही है? Yes, बच्चे बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. बच्चे बात क्लियर है? Yes, sir. एक काम करेंगे, एक बार रिवाइज कर लो तब तक। हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? बच्चे आवाज आ रही है? यस सर, यस सर आ रही है। बच्चे होमवर्क नोट कर लो, 7.6 और 7.7 में जो भी है वो पूरा कंप्लीट करो। इतना कर लोगे? यस सर। चलो बस, थैंक यू बच्चे।